नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट नौकरी चैनल में। और बात करें आज की सबसे बड़ी खबर। जी आपने सही सुना, मुंबई में ऑटो, बस, टैक्सी, इन तमाम चीज़ों की यानी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ें हैं उनका किराया होगा कम। ऐसा क्यों, जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर। जी हाँ, महंगाई की मार आम जनता झेल रही है, इस बात से कोई दो राय नहीं है। सभी को ट्रांसपोर्ट से जाना होता है क्योंकि आम आदमी के पास खुद की गाड़ी नहीं होती। अगर खुद की गाड़ी भी होती तो भी लोग, आम आदमी जो है, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है क्योंकि पेट्रोल के भी दाम 100 रुपये के पार है। तो यहाँ पर दोस्तों उद्धव सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। जी हाँ, आपने देखा कल बजट पेश किया गया, जिस बजट में 13.5% वैट को घटाकर 3% पर ला दिया गया है। जी हाँ, सीएनजी भरवाते समय जो सीएनजी ऑटो टैक्सी में चलती है यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की चीज़ों में, उस सीएनजी का जो वैट था वो 13.5% यानी 13.5% से घटाकर सीधा 3% कर दिया, यानी 10% का फायदा मिलेगा टैक्सी और ऑटो वालों को। यानी अब सीएनजी भराते समय अगर आपको 10% की छूट दी जा रही है तो जाहिर सी बात है इसका सीधा जो असर होगा वो आम आदमी को पहुंचेगा क्योंकि किराए में इसकी कमी होगी। फिलहाल किराया कम करने को लेकर बातचीत शुरू हो चुकी है क्योंकि अभी कल ही जो है बजट पेश किया गया है और इस बजट में जो फैसले लिए गए वो पूरी तरह से आम जनता के हित में लिए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आम जनता को पहुँचने वाला है और किराया भी बहुत ज़्यादा हो चुका था। कई लोगों की डिमांड भी थी कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके थे, सीएनजी के दाम बढ़ चुके थे, तो आखिरकार ट्रांसपोर्ट वाले क्या करें। तो फाइनली अब 13% से अगर 3% पर वैट कर दिया गया है तो 10% का फायदा होगा और ये 10% का फायदा आपको आपकी जेब पर पड़ेगा क्योंकि किराया कम कर दिया जाएगा। चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करें ताकि जानकारी सब तक पहुंचे।